भाई और बहनों, कांग्रेस तैयारी कर रही है कि हार के बाद उसका ठिकरा पार्टी में किसके सिर पर फोड़े। नामदार को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए वहां एक्सरसाइज चल रही है। अब कांग्रेस ये तो कह नहीं सकती कि नामदार की वजह से चुनाव हार गए, ये तो वंशवाद के उसूलों के खिलाफ होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पांचवें चरण के बाद ही नामदार परिवार के दो सबसे करीबी दरबारियों ने अपनी तरफ से बैटिंग शुरू कर दी, वरना इनकी हिम्मत नहीं है कि बिना कप्तान से पूछे मैच खेलने मैदान में उतर जाए। भाई और बहनों, एक बल्लेबाज तो नामदार के गुरु है जिन्हें पहले मैदान में उतारा गया है। उन्होंने सिखों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 84 का सिख दंगा हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ तो हुआ तो ये जानते हुए कि सिख भाई बहनों के पुराने चकमारे होंगे, नामदार ने अपने गुरु से ये बयान दिलवाया। दूसरे बल्लेबाज गुजरात चुनाव के दौरान हिट विकेट होने के बाद से ही मैदान से बाहर थे, मुझे गाली देने के बाद से पर्दे के पीछे छिपे हुए थे, वो भी दो दिन से मैदान में पहुंच गए और जमकर के मुझे गालियां दे रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस में इस समय बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है, व्यूहरचना की जा रही है कि कैसे नामदार को बचाया जाए। कुछ भी करके कांग्रेस अपने नाम पर, अपने नामदार पर हार की जिम्मेदारी नहीं आने देना चाहती। इसलिए कांग्रेस में अभी नाखून काटकर शहीद होने वालों की होड़ मची हुई है।